वर्देंगे कराची से। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर धमाके से चार अफराद जख्मी हो गए हैं, ये अहम खबर सामने आ रही है कराची से। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक के करीब धमाके की आवाज पहले सुनी गई और अब रेस्क्यू जराय की जानिब से बताया जा रहा है कि चार से पांच अफराद के जख्मी होने की इत्तला पहुंच चुकी है। इसी हवाले से आपको कराची में शेरशाह पराचा चौक के करीब धमाका सुना गया जिसमें चार अफराद के जख्मी होने की इत्तला अब तक सामने आई है। इस हवाले से आप कॉल करें तो कराची में धमाके की आवाज सुनी गई है जिसमें चार अफराद के जख्मी होने की इत्तला सामने है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज कामरान शेख से। कामरान आगा कीजिएगा, धमाके की आवाज सुनी गई, रेस्क्यू जराय की जानिब से क्या इत्तला हो गई अब तक? बिल्कुल मुतायर, ये शेरशाह का इलाका है पराचा चौक, जहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है और धमाके के फौरन बाद भगदड़ की सूरत हाल है। एक आवाम का जिम्मे गफीर है जो वहां पर जमा हो गया, लेकिन अभी ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि किस नोयत का धमाका था, आया कि ये धमाका नाले में हुआ या कोई और वजह है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि वहां से जो नाला गुजर रहा था उस नाले में ये धमाका हुआ है और धमाके की नोयत के हवाले से अभी जांच की जा रही है। इसके साथ साथ वहां पर एक इमारत को भी जिसने कुछ नुकसान पहुंचा है, उसके साथ चार अफराद को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त पुलिस और जो ऑपरेशनल इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां से आवाम का जो रश है उसको दूर किया जा सके, धमाके की नोयत का पता लगाया जा सके। धमाके की शिद्दत आवाज ज्यादा तेज होने की वजह से इतराफ में खौफ हरास फैला है और जो रेस्क्यू के अहलकार है वो भी वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है, जबकि पुलिस और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अहलकार भी वहां पहुंचे और कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले वहां से जो लोग हैं जो जिम्मेदार आवाम का उसको हटाया जाए और उसके बाद इसकी नोयत का अंदाजा लगाया जाए। इसके साथ ही जो इमारत है उसको भी नुकसान पहुंचा है, जबकि साथ में जो बैंक है वहां उसको भी मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस सिलसिले में भी तहकीकात भी जारी है।